ये कहानी दिल्ली के मध्यम वर्गीय पंजाबी परिवार में पैदा हुए एक ऐसे लड़के की कहानी है जिसकी जिद ने यह साबित किया कि अगर मन में सच में कुछ बड़ा करने और बनने का जज्बा हो तो रास्ता ना भी मालूम हो फिर भी मंजिल एक दिन मिल ही जाती है। यह लड़का 3 भाई था। पिताजी रेलवे में एक साधारण क्लर्क थे तो आमदनी का कोई खास बड़ा सोर्स नहीं था, लेकिन फिर भी ये तीनों लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे थे। 5वीं के बाद जब ये 6ठी में आए तो परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई और जिसके चलते इन्हें प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूल में डाल दिया गया। जब ये सरकारी स्कूल में आए तो यहाँ की पूरी दुनिया ही अलग थी। बात बात में मारपीट हो जाती थी, छोटी मोटी कोई भी गलती करने में मुर्गा बनना पड़ता था और इन चीजों ने पढ़ाई में जो इनका इंटरेस्ट था उसे समाप्त कर दिया। पढ़ने में इनका मन फिर लगना बंद हो गया और पढ़ाई से कहीं ना कहीं ये दूर हो गए, किसी भी तरीके से पास करते गए। बीच में इनके मन में कभी आया कि इनको डॉक्टर बनना है और जिसके चलते जब ये 11th और 12th में पहुंचे तो इन्होंने डॉक्टरी की तैयारी शुरू कर दी, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी। उस समय तक इनके बड़े भाई ने 12th पास कर लिया था, लेकिन 12th के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी क्योंकि परिवार की जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी वो इतनी खराब हो गई थी कि वो आगे पढ़ने का फैसला नहीं ले पाए और 12th के बाद पढ़ाई छोड़ के पेन बेचना शुरू कर दिया। तो वो साइकिल से जाते थे और गली मोहल्लों में समाज में जाके और वो पेन बेचते थे। जब ये 10वीं में थे तो भैया के साथ अपने बड़े भाई के साथ कई बार पेन बेचने के लिए जाते थे और उस समय दिन के 50 पैसे 1 रुपये की कमाई हो जाती थी जो कि उस टाइम के लिए बहुत बड़ी बात थी। खैर 12 करते हुए इन्होंने एंट्रेंस का तैयारी किया, मेडिकल एंट्रेंस का तैयारी किया और जब इन्होंने मेडिकल एंट्रेंस का एग्जाम दिया तो एक बढ़िया बात हुई। 12 का एग्जाम दिया और उसी साल मेडिकल एंट्रेंस का भी एग्जाम दिया और मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम में ये पास हो गए। पूरे परिवार में खुशियां फैली कि अब लड़का डॉक्टर बन जाएगा, सब लोग खुश हो गए। लेकिन अभी कुछ बाकी था, वो था 12 का रिजल्ट। जब 12 का रिजल्ट आया तो पूरी खुशियों पे पानी फिर गया। क्यों? क्योंकि 12 में इन्हें मात्र 49% नंबर आए और मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए कम से कम 50% नंबर चाहिए था, यानी 1% से यह सपना पूरा होने से चूक गया। खैर 12 में कम नंबर आने के बाद इन्होंने ये तय किया कि फिर से 12 का एग्जाम देंगे और इसके लिए इन्होंने अपना स्कूल बदल दिया क्योंकि फिर से उसी स्कूल से 12 का एग्जाम देना इनके लिए इन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। तो स्कूल बदल के और फिर से दोबारा इन्होंने इंटरमीडिएट का एग्जाम दिया और इस बार पूरे स्कूल में ये टॉप आए, बहुत अच्छे नंबर आए और बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा। मैथ में तो 100% नंबर इन्हें मिले। इसके बाद फिर इन्होंने ये तय कर रखा था कि बनना तो डॉक्टर ही है तो इसलिए आगे ग्रेजुएशन में एडमिशन क्यों लेना। लेकिन बहुत सारे दोस्त, बाकी के जो दोस्त थे वो ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे थे तो इन्होंने सोचा कि चलो फॉर्म भर देते हैं, हम भी कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, भले कॉलेज में क्लास करने नहीं जाएंगे। तो जब फॉर्म भरने की बारी आई तो इन्होंने फॉर्म में बोटनी भर दिया था और लाइन में लग गए थे। तो लाइन में जो आगे बच्चा खड़ा था उससे इन्होंने पूछा कि तुमने क्या भरा है, तो उसने कहा स्टेटिस्टिक्स, सांख्यिकी। और उसने समझाया कि सांख्यिकी बहुत आसान विषय है तो इसमें पास होने के लिए ज्यादा पढ़ना नहीं होगा। तो इनको भी लगा कि ऐसे भी मैथ में मेरे 100% नंबर आए हैं तो ये बोटनी क्यों रखना। तो इन्होंने भी बोटनी कट करके स्टैटिस्टिक्स लिख दिया और इस तरीके से सांख्यिकी विषय में इन्होंने भी दाखिला ले लिया। खैर अब बारी आई कि नंबर अच्छे आ गए थे और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद इन्होंने जितने भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम दिए उसमें से कभी वो पास नहीं हो पाए, किसी भी एग्जाम में पास नहीं हो पाए। दुर्भाग्य देखिए, पहले पास हुए तो 1% से छूट गए और अब जब नंबर अच्छे आ गए तो मेडिकल एंट्रेंस ही नहीं निकला। जब मेडिकल एंट्रेंस की बारी थी तो उसी दौर में इनकी तबीयत काफी खराब हो गई और जॉन्डिस के चलते ये हॉस्पिटलाइज हो गए और पूरा 1 साल इनका बर्बाद हो गया। 1 साल बर्बाद होने के बाद और जब एंट्रेंस में ऐसे भी निकल नहीं पा रहे थे तो इनको लगा कि अब कॉलेज ही जाना बढ़िया है। फिर ये कॉलेज गए, कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में जब ये आए तो इनकी जिंदगी में नया चैलेंज आया। ये थे हिंदू कॉलेज में, दिल्ली का हिंदू कॉलेज आपको पता होगा। अब जब वो वहां पहुंचते हैं तो वहां पे जितने भी इनके दोस्त हैं वो सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, सब अंग्रेजी में टर टर टर, सारे लोगों की अंग्रेजी बहुत अच्छी, फटाफट अंग्रेजी बोल रहे हैं। और ये थे सरकारी स्कूल से, अंग्रेजी में इनके हाथ थे तंग, इन्हें अंग्रेजी आती नहीं थी। तो 6 महीने कॉलेज जाने के बाद इनको लगा कि इस कॉलेज में आने का क्या फायदा जब मैं किसी से बात ही नहीं कर पा रहा।
लोग बात करते थे लेकिन इनकी आवाज नहीं निकलती थी। किसी लड़की से भी बात करना हो उसमें भी सोचना पड़ता था। अब इनको लग रहा था कहां फंस गए। तो कुछ लोगों ने बताया कि अगर आप अंग्रेजी के नॉवेल्स पढ़ेंगे, उपन्यास पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी। ये बात पता चल गई और ये पहुंच गए, पहली नॉवेल खरीदी और वो नॉवेल थी लगभग 900 पन्नों की। तो जैसे ही पन्ने देख के होश उड़ गए और उन्होंने किताब रख दी कि भाई ये मेरे वश की बात नहीं है। इतनी मोटी किताब खरीद ली थी, फाउंटेन हेड करके कोई किताब। उसके बाद लेकिन फिर भी और भी लोग के कहने के बाद इन्होंने पढ़ना जारी रखा और उस पूरी एक साल में लगभग 12 नॉवेल्स इन्होंने खत्म कर डाले। अब इतना हो गया था कि अंग्रेजी बोलने आए या ना आए, लेकिन इतना कॉन्फिडेंस आ गया था कि बीच में पंगे ले सकते थे। अगर चार लोग बात कर रहे हैं तो उसके बीच में जा सकते थे और थोड़ा बहुत बोल सकते थे। तो इतना हो गया था। कॉलेज के वक्त में पढ़ाई में तो ये ज्यादा इन्वॉल्व थे नहीं। थर्ड ईयर आते आते ये पॉलिटिक्स में बहुत अधिक इन्वॉल्व हो चुके थे। कॉलेज में इनकी छवि ऐसी थी कि अगर किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी को पास बनवाना है, लाइब्रेरी की फी माफ करवानी है, किसी को कैसी भी प्रॉब्लम है, इनके पास पहुंच जाता था, इनके सामने रोता था। किसी की लड़की की कोई प्रॉब्लम हो गई है, ब्रेकअप हो गया है, ये कहते थे आ जाओ सब सॉल्व हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। इनके पास हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता था। तो ये एक सोशल आदमी थे। बहुत सारे लोग इनको मूर्ख समझते थे कि ये आगे क्या करेगा, लेकिन इनको इसमें मजा आता था। लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इनको मजा आता था। और जब ये सेकंड ईयर में थे तो खुद भी एक अफेयर में फंस गए। एक लड़की से इनको हो गया प्रेम। हाय एवरीवन, अभी तक वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए। एसरी ऑफिशियल 16 नवंबर को दिल्ली के अंदर करने जा रही है एक ग्रैंड इवेंट जिसका नाम है पागलपन 1.0 अचीव द इम्पॉसिबल। अगर आप भी अपनी जिंदगी में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मेजर गोल्स, बड़े बड़े गोल्स अचीव किए जाते हैं, आप ये जानना चाहते हैं कि चैंपियंस का माइंडसेट क्या होता है और कैसे दुनिया में कुछ लोग इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं, ये सब कुछ अगर सीखना चाहते हैं तो 16 नवंबर को दिल्ली आ जाइए, ज्वाइन कीजिए पागलपन 1.0। और अगर अभी तक आपने अपनी टिकट बुक नहीं की है तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहां पे टिकट का लिंक है, जाके वहां से बुक कर लीजिए। बाकी मिलते हैं 16 नवंबर को पागलपन 1.0 दिल्ली के अंदर। अब वीडियो देखिए आगे। और वो लड़की थी फर्स्ट ईयर की, यानी इनसे जूनियर, और वो थी इंग्लिश ऑनर्स। तो अंग्रेजी आती नहीं थी, तो ये कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं आती थी तो अंग्रेजी में लड़कियां बढ़िया लगती थी। अब उस लड़की को कोई खास इंटरेस्ट नहीं था इनसे। उसका क्लियर था कि उसको शादी करनी है किसी और से, तो उसने किसी और से शादी कर ली। और जब शादी हो गई तो ये बेचारे तब तक फंस गए थे, 6 महीने तक इनकी जिंदगी हो गई बर्बाद। पूरे देवदास, रोना धोना, सब कुछ, सबकी प्रॉब्लम सुलझाई, लेकिन अपनी प्रॉब्लम में फंस गए, तो 6 महीने इसमें बर्बाद हो गए। खैर, उस लड़की के साथ जो वक्त बिताया उस टाइम पे एक शब्द इन्होंने बनाया था, क्योंकि इनको शुरू से मन था कि मैं कुछ अपना काम करूंगा। अपना क्या करूंगा कि पेन लाइन में ही जाऊंगा लेकिन अपना ब्रांड बनाऊंगा। तो इन्होंने एक नाम सोचा, सुकैन, SUKAN। ये SU आया था उस लड़की के नाम से, के से इनका नाम था, और बाकी के जो 2 लेटर आप देख रहे हैं उससे इन्होंने सोचे थे बच्चों के नाम। इस तरीके से सुकैन बना। जब ये अपने काम में आए कॉलेज के बाद अच्छे ढंग से काम करने के लिए, तो जब इन्होंने कंपनी का ये जो नाम था ये दिया बनाने के लिए, बोर्ड बनाने के लिए, तो जो लड़का वो बोर्ड बना के आया उसने सुकैन की जगह सुकैम लिख दिया, एन को हटा के एम लिख दिया गलती से। और तब इसमें लगभग 450 रुपये लगते थे, तो इन्होंने कहा कि फिर 450 रुपये इसको देना होगा, इससे अच्छा है कि हटाओ ये एन, अब एम ही रहेगा। और इस तरीके से वो जो सुकैन था वो सुकैम हो गया। खैर, जब ये कॉलेज से बाहर निकले तो फिर इनका अब तो मेडिकल में जाना नहीं था। तब तक इनके बड़े भाई ने पेन के लाइन में बढ़िया धंधा कर लिया था, नई सड़क पे अपनी एक दुकान बना ली थी, अपनी गाड़ी भी ले ली थी, तो उसी बिजनेस में ये भी लग गए। बिजनेस में तो लग गए लेकिन शुरू से इनको मैन्युफैक्चरिंग करना था। खैर, 2 साल काम किया और भाई के साथ काम करके एक और दुकान खड़ी कर दी नई सड़क में ही। बढ़िया सब कुछ चल रहा था लेकिन भाई को बार बार ये कन्विंस करने में लगे थे कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग करनी है। और इनके भैया बहुत डरते थे कि इतनी मुश्किल से यहां तक आए हैं, अगर ये कुछ और करेगा और वहां लॉस हो जाए फिर परिवार कैसे चलेगा। तो भैया कन्विंस नहीं हो रहे थे। एक दिन फाइनली ये अपने पिताजी के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे ये नहीं करना, मुझे करनी है मैन्युफैक्चरिंग। पिताजी भी टेंशन में आ जाते हैं कि यार इसको करना क्या है। वो बाकी के 2 बच्चों के लिए काफी आश्वस्त रहते हैं
लेकिन इनके बारे में उनको बहुत टेंशन होता है क्योंकि ये लेफ्ट राइट इधर उधर भटकते रहते हैं। और ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मैं कुछ बड़ा करूंगा, मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, ब्रांड बनाऊंगा। तो परिवार में जो भी बड़ी बातें करता है उसको पचाना बड़ा मुश्किल होता है परिवार के लिए, और कई बार परिवार के लिए वो टेंशन होता है कि ये करेगा क्या। अब पिताजी को नहीं समझ में आ रही ये क्या करेगा, लेकिन कोई कन्विंस नहीं हुआ। जब फाइनली कोई कन्विंस नहीं हुआ तो इनको लगा कि अगर पेन की लाइन में रहूंगा तो झगड़ा हो जाएगा, और इस झगड़े से बचने के लिए कि रिश्ता कहीं खराब ना हो जाए, इन्होंने फाइनली ये तय किया कि अब मुझे ये काम ही नहीं करना। और ये पहुंच गए जॉब करने। देखिए कैसी कहानी है, जॉब करने पहुंच गए। मैं आपको बता दूं कि जब ये 12 में थे तो इनके साथ एक और घटना हुई थी। परिवार में बहुत सारी चीजें गलत चल रही थी उस वक्त, और फैमिली में कुछ झगड़े चल रहे थे दूसरों से, और उन झगड़ों के चलते एक बार लड़ाई में ही इन्हें जेल भी जाना पड़ा था 12 के दौरान। तो एक बार जेल होके आ गए थे। अब जेल होके आने का क्या रिजल्ट रहा ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। जब ये नौकरी में आए तो ये केबल टीवी की कंपनी में इन्होंने ज्वाइन कर लिया और सेल्स की नौकरी पकड़ ली। सेल्स तो आती थी, 10वीं से ही सेल्स सीखा था, पेन बेचना इनको आता था, तो सेल्स की बारीकियां पता थी, इसलिए माल बेचने में कोई इनको शर्म नहीं थी और ये काम इनके लिए आसान था। केबल टीवी की कंपनी में आ गए और जाके समाज में, होटल्स में, सब जगह जाके और बिजनेस लाने लगे। अब हुआ क्या कि चूंकि एक बार जेल जा चुके थे तो इनको लगा कि लॉ पढ़ लेता हूं। तो 2 साल नौकरी करने के दौरान ही ये लॉ करते रहे इवनिंग कॉलेज से। लॉ में एडमिशन ले लिया और लॉ को बहुत सीरियसली किया। क्यों? क्योंकि जेल गए थे तब इनको पता चला था कि अगर लॉ की डिग्री होती तो फिर इनको बी क्लास की ट्रीटमेंट मिलती, यानी खराब ट्रीटमेंट, थोड़ी सी अच्छी ट्रीटमेंट मिलती। तो इनको लगा कि कम से कम अगर फिर से जेल जाने का मौका मिला तो थोड़ी ट्रीटमेंट तो बढ़िया मिलेगी, तो लॉ कर लेता हूं। और 1986 में इन्होंने लॉ की पढ़ाई शुरू की और 2 साल फिर इन्होंने नौकरी की, और 89 में जाके लॉ फिनिश हुआ इनका, कंप्लीट कर लिया। और फिर 2 साल में नौकरी करके 10,000 लगभग रुपये इन्होंने जुटा लिए थे, और 1989 में ही इन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। फाइनली अपना बिजनेस शुरू करने के बाद केबल की नॉलेज हो गई थी, केबल टीवी वाली नॉलेज हो गई थी, तो धंधा उठाने तो आता था, मार्केट से धंधा लाना में ही आगे थे, बिजनेस लाने में आगे थे, लेकिन एक्सिक्यूशन कैसे करना है, टेक्नोलॉजी की जो नॉलेज है, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो नॉलेज है, इसमें ये थे जीरो। ये कुछ भी नहीं पता था, सेल्स पता था। तो धंधा तो बहुत उठा के लेके आ गए, ऑर्डर तो बहुत ले लिया, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे थे, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं। जिन लोगों को लेके आते थे वो कहते थे सर आपको टेक्नोलॉजी में कुछ आता ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो बहुत अपमान झेलना पड़ा, 2-4 लोग के पैसे लौटाने पड़े। तब इनको जाके लगा कि अगर मुझे इस बिजनेस में बने रहना है तो मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स और इन जो टेक्निकल टर्म्स हैं, चीजें हैं, उनके बारे में जानना होगा। अब जाके इन्होंने स्कूल के टाइम के फिजिक्स की किताबें उठाई और जिन किताबों को कभी नहीं पढ़ा था ढंग से, उन किताबों को बहुत बढ़िया से पढ़ गए। धीरे धीरे इंटरेस्ट इनके अंदर डेवलप होने लगा, एम्पलीफायर क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कैपेसिटर क्या है, मॉड्यूलेटर क्या है, ये सारी चीजें सीखने लगे। और फिर एक एक करके नए नए प्रोडक्ट केबल टीवी में ये बनाने लगे, बहुत बढ़िया काम निकलने लगा। धीरे धीरे उस टाइम में घर घर में केबल लगने लगा, डिशेस का जमाना आया, डिशेस लगाई, बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, ब्रांड बनाया, घर घर में केबल लगने लगा। तो उस टाइम में इनकी बहुत बढ़िया आमदनी होने लगी और 1998 तक इन्होंने बहुत बढ़िया पैसा कमाया, अच्छा नाम कमाया, बहुत बढ़िया पैसा कमाया, जिंदगी नेक्स्ट लेवल पे चली गई। अब कहानी में एक नया टर्निंग पॉइंट आता है। ये टर्निंग पॉइंट है कि एक दिन इनके घर में इन्वर्टर लगा हुआ था, तो वो इन्वर्टर बार बार खराब होता था, हर तीसरे चौथे दिन वो बनाने वाला कोई आता था, कभी इन्वर्टर उठा के लेके जाए, कभी बैटरी लेके जाए, कभी दोनों लेके जाए, तो उनसे रहा नहीं गया। एक दिन उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि यार क्या मसला है, क्या होते रहता है, देखता हूँ हर दूसरे तीसरे दिन तुम लेके जाते हो, इसमें खराब क्या होते रहता है। तो उसने कहा कि साहब ये आपके वश की बात नहीं है, आप इसे छोड़ दीजिए। अब ये बात इनको लग गई, ये उठे और इन्वर्टर लेके पहुंच गए अपने लैब। अभी तक ये लोग आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे थे, अब ये नई चीज थी। इन्वर्टर को खोला, सारी चीजें देखी, और उस वक्त आप समझिए कि पूरी दुनिया में कुछ ऐसा था नहीं जिसका कॉपी किया जाए। यूरोप में ये चलता नहीं था इन्वर्टर, और यूएस में इसकी जरूरत नहीं थी, तो कुछ ऐसा नहीं था जिसकी कॉपी की जाए, यानी सब कुछ खुद से ही करना था। अब 2000 का ये वक्त था, 2000,
और इनको बनाने का आ गया मन कि अब हमें इन्वर्टर बनाना है, क्योंकि अच्छे इन्वर्टर नहीं थे, बढ़िया इन्वर्टर तब नहीं थे। और ये समझ गए थे कि पावर सप्लाई, ये जो पावर की जो प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, इसको इन्वर्टर से ही दूर किया जा सकता है। तो इन्होंने R&D की एक टीम बना रखी थी जिसमें लगभग 6 बच्चे थे, 6 नौजवान बच्चे। अब उनसे इन्होंने कहा कि हमें साइन वेव इन्वर्टर बनाना है। तो जैसे ही कहा कि साइन वेव इन्वर्टर बनाना है, उन सब ने कहा कि सर ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बन सकता है। इन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया, इन्होंने उन सब की मीटिंग बुलाई उनकी पत्नियों के साथ कि आपको अपनी वाइफ के साथ आना है। अब ये 6 लोग आए, शादीशुदा थे सब, अपनी पत्नियों के साथ आए और मीटिंग हुई। और इस मीटिंग में इन्होंने कहा कि अगर आप लोगों ने ये इन्वर्टर बना दिया तो मैं आपको अपनी पत्नियों के साथ यूरोप ट्रिप भेजूंगा। या पत्नियों को यह बात पता चल गई, इन्होंने टीम को 2 भागों में बांट दिया, एक टीम में 3 लोग, दूसरी टीम में 3 लोग, और कहा कि जो टीम पहले बनाएगी उस टीम को यूरोप ट्रिप मिलेगा, और वो भी पत्नियों के साथ। अब पत्नियां जो थी इन लोगों की, ये इनके पीछे लग गई। जब भी ये घर पहुंचते थे तो इनकी वाइफ पूछते रहती थी कि ये स्टेटस क्या है, काम कहां तक पहुंचा, कहां तक हुआ, इन्वर्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब ये हो गए परेशान। अब देखिए क्या ट्रिक था, इन्होंने घर को लगा दिया इनके पीछे। अब ये जब घर पे जाते थे, अब उनमें से कई ऐसे लोग थे जो कहते थे आज रात घर पे ही नहीं जाएंगे। वो पूछते थे क्यों, कि फिर पत्नी पूछेगी कि स्टेटस क्या है, और स्टेटस कुछ था ही नहीं कि कहां तक काम पहुंचा, तो कहते ठीक है फिर यहीं रहो। और फिर दिन रात वकील रह के वो खुद उन लोगों के साथ मिलके, R&D टीम के साथ मिलके, और रिसर्च करते रहे, इनोवेशन करते रहे, लगे रहे। और इसका परिणाम ये हुआ कि एक के बाद एक नई नई टेक्नोलॉजी ये लोग विकसित करते गए, और इस इन्वर्टर की दुनिया में वो नई नई चीजें लेके आए, नए प्रोडक्ट लेके आए, नई टेक्नोलॉजीज लेके आए, और जिसके चलते पूरी इंडिया में इनको इन्वर्टर मैन के नाम से भी जाना गया। और पहला इन्वर्टर बनाने में इनकी पूरी टीम को 1.5 साल लग गए थे, जो कि मात्र 50% ही सक्सेसफुल था, 50% वो फेलियर ही था। लेकिन आज पूरी दुनिया में ये वर्ल्ड लीडर है, आज 90 से अधिक देशों में, 2003 में तो ये लोग एक्सपोर्ट करना इन लोगों ने शुरू कर दिया था, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, ईरान में, अफगानिस्तान में, आप नाम लीजिए 90 से अधिक देशों में इनके इन्वर्टर चल रहे हैं, और 90 से अधिक देशों में ये पूरा व्यापार, और आज ये जो कंपनी है वो 3,000 करोड़ की कंपनी इन्होंने बना दी, 2,000 से अधिक इंप्लॉइज हैं, 6-7 फैक्ट्रीज हैं। आप समझ सकते हैं कि कैसे एक इंसान ने 10,000 नौकरी से जुटा के और अपने व्यापार की शुरुआत की थी। ये कहते हैं कि इनको ये नहीं पता था कि करना क्या है, बस इतना पता था कि कुछ बड़ा करना है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, कुछ ब्रांड बनाना है, इतना पता था, लेकिन क्या करना है, किस फील्ड में करना है, ये कुछ भी नहीं पता था। इनके बारे में एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, समझिए इंसान कैसे बड़ा बनता है। इनकी शादी हो गई थी और ये कहते हैं कि वाइफ कह रही थी कि घर ले लेते, और उस टाइम पे घर जो आना था वो 12-13 लाख में कोठी आ जाती थी, 15 लाख तक कोठी मिलनी थी, मतलब बहुत बढ़िया घर मिल जाना था। और उसी टाइम पे इनको स्पेक्ट्रम एनालाइजर खरीदना था जिसकी कॉस्ट आ रही थी 20 लाख रुपए, वो भी विदेश से आना था। सो 20 लाख रुपए की स्पेक्ट्रम एनालाइजर खरीदनी थी, और दूसरी तरफ थी घर खरीदना, और वो घर, वो कहते हैं 20 लाख में तो कोठी आनी थी, और वो घर ना खरीद के वो 20 लाख रुपए उन्होंने धंधे में लगाया, घर नहीं खरीदा और वो 20 लाख रुपए धंधे में लगा दिया। आप समझ के देखिए, यही कारण है जो लोग अपने बिजनेस को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे वही लोग बिजनेस में आगे जाएंगे। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं और वो काम आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है, तो आपको आगे बढ़ने से इस दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। हमें यह देखना है कि हम जो काम कर रहे हैं वो हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में कहां पे है। कई बार जब पैसे आते हैं तो फिर बिजनेस से नजर हटके, बिजनेस आपकी प्रायोरिटी से कहीं ना कहीं हट जाता है, और कुछ बेकार की चीजें, कुछ और चीजें आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल हो जाती है। कुंवर सचदेव इस इंसान का नाम है, और कुंवर सचदेव भारत में ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर आज एक बड़ा नाम है। कभी साइकिल से अपने बड़े भाई के साथ पिन बेचने वाला ये इंसान 3,000 करोड़ की कंपनी, आज सोलर एनर्जी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि हम सब के पास कुछ ना कुछ आइडियाज़ होते हैं, कुछ ना कुछ करने का हमारा मन होता है, लेकिन हम एक्शन लेने में काफ़ी लेट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि सारी चीज़ें हमें आज ही पता चल जाए, तब हम एक्शन लेंगे। मैं आपसे इतना ही कहूँगा, अगर आपके मन में कुछ भी करने का ख्याल है तो ज़्यादा डिले मत कीजिए, ज़्यादा लेट मत कीजिए। आज जो आप काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि 10 साल बाद भी आप वही काम कर रहे हो सकता है कुछ और कर रहे हो,
लेकिन जब आप कुछ करना शुरू करेंगे तभी आप कहीं पहुंचेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या आप ऐसी और भी कहानियां सुनना चाहते हैं। बाकी अगर अभी तक आपने मेरी इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, और जाने से पहले इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच।